नमस्कार दोस्त, मैं यूसी जी एनिमेशन गौतम और स्वागत करता हूँ आपका सॉल्यूशन टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जिस वीडियो को आप देखेंगे तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने घर में ऐसा करते होंगे, तो चलिए मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये वीडियो शायद देख रहे होंगे, इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटी सी दवाई की शीशी रखी हुई है और उस दवाई की शीशी को छिपकली जीभ लगा लगा करके चाट रही है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने घर में ऐसे करते हो, छोटे बच्चों की दवाई जब आप डॉक्टर से लेके आते हैं तो लाने के बाद आप बच्चों को दवाई पिलाने के बाद आप शीशी को ऐसा कैसा ही आप कहीं भी रख देते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते नहीं हैं। तो इस वीडियो को देखेगा बड़े गौर से, आप इस वीडियो में जो चीज़ देख रहे हैं उसमें मेरे भाई ये छिपकली बार बार जीभ लगा करके इस ढक्कन को चाट रही थी। यानी कि आप आज के बाद जब भी कभी बच्चों को दवाई पिलाएं या खुद भी अगर दवाई का सेवन करें तो सही तरीके से जांच और परख लें कि हमने जो दवाई रखी थी वो सुरक्षित है या उसमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया बाहर की ओर से। आप चाहे भले ही वो चीज़ सुरक्षित रखी हो, आप फिर भी उस दवाई की शीशी को उठाएं और उठाने के बाद उसको पानी में धुल करके उसके ढक्कन को, और तब आप उस दवाई का सेवन करें। क्योंकि मेरे भाई कहीं ना कहीं आप दवाई को जब खाते हैं तो आपको फिर भी आराम नहीं मिलता या अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको ये रीज़न पता नहीं लगता कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई है, ये जहर जैसी जो चीज़ें मेरे शरीर में कहाँ से आई या ये वायरस मेरे शरीर में कहाँ से आया। तो मेरे भाई ये इन्हीं चीज़ों की वजह से आप जो दवाई खा रहे हो आपको तो फायदा देती है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपको ना कहीं दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो मेरे भाई आज के बाद आप अगर कभी भी दवाइयों का सेवन करते हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतिए। तो मेरे भाई अगर आप लोग सावधानी बरतेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज से इस चीज़ को इग्नोर ना करें और बेहतरीन तरीके से अपने घर की हर चीज़ों को साफ सुथरी और बेहतरीन जगह पर रखें और उस दवाई को खाते पीते वक्त आप सावधानी बिल्कुल बरतें। दोस्तों आप अगर चैनल पर नया आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को।